में रन होता है। आज का जो लेक्चर है हमारा, आज के लेक्चर का जो आउटलाइन है वो है मेन्यू। अब ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं है दुनिया में, या बहुत ज़्यादा कम होंगी, या बिल्कुल तसव्वुर नामुमकिन है, जो मेन्यू के बगैर हो। ठीक है, तो मेन्यू इज़ वन थिंग दैट यू मस्ट सी इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस ऑन एनी वेबसाइट इन द वर्ल्ड। ठीक है, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जो भी वेबसाइट्स आप ब्राउज़ करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू सी ऑन दैट पर्टिकुलर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज़ मेन्यू। तो हाउ कैन वी क्रिएट अ मेन्यू यूजिंग HTML एंड CSS, दैट इज़ बेसिकली अ लेक्चर आउटलाइन टुडे। ठीक है, और दैट इज़ प्रॉबली द लास्ट जो है हमारे पास, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसिस का जो लेक्चर्स हैं उसमें हमारे पास शायद ये सबसे आखिरी हमारा लेक्चर हो। इसके बाद जो है आज CSS के बॉक्स मॉडल पे भी थोड़ा सा बात करेंगे हम। ठीक है, कि CSS का बॉक्स मॉडल क्या चीज़ है, और उसमें जो है वो मार्जन्स और पैडिंग, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या हैं। ठीक है, आज इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम आज के लेक्चर में काफ़ी CSS एट्रीब्यूट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसको डिस्कस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है और उसकी सेंस बनती है। ठीक है, तो CSS के एट्रीब्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और CSS के एट्रीब्यूट्स इतने हैं कि वो आप करते जाएँ तो लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें उस पर लिखी हैं। ठीक है, लेकिन द वन वी नीड, वी विल बी कवरिंग दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। और आज भी जो है काफ़ी सारे CSS एट्रीब्यूट्स जो हैं इस CSS मेन्यू को, HTML मेन्यू के थ्रू हम इसको वो कोशिश करेंगे कि CSS एट्रीब्यूट्स उस HTML पे अप्लाई करके आपको एक ज़बरदस्त किस्म का मेन्यू जो है वो आपको प्रिपेयर करके दिया जाए। ठीक है, आज के लेक्चर में हम हॉरिजॉन्टल मेन्यू क्रिएट करेंगे, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपको जो गिवन है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम में वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपको जो गिवन है वो है आपका, आप लोगों ने बनाना है वर्टिकल मेन्यू। तो आज की क्लास में हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल मेन्यू, और फिर आप लोगों ने बनाना है वर्टिकल मेन्यू। अच्छा, आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, जो कि आप पहले हम इस पे काम कर चुके हैं। हाइपरलिंक जो ए टैग है उसको यूज़ करना है, इस जो हम लिस्ट बनाएंगे इस पे अप्लाई करना है, ये भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। नेस्टेड लिस्ट, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, जो हमने नहीं किया, बल्कि इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, लेकिन ये एट्रीब्यूट, ये वाला एट्रीब्यूट, ये वाला एट्रीब्यूट, लिस्ट स्टाइल टाइप, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट अलाइन, लाइन हाइट, बॉर्डर एट्रीब्यूट, CSS के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो हम इन तीन स्टेप्स पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर एक और प्रॉपर्टी है CSS की जो कि है पोजीशन एट्रीब्यूट, ये भी इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर ये दोनों चीज़ें इस पे अप्लाई करके हमारा अल्टीमेटली गोल क्या है कि हम उसको क्या करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे। तो डिस्प्ले करेंगे हम कैसे, बेस्ड ऑन हावर। ठीक है, कि आप मेन्यू पे अपना कर्सर लेके जाएंगे और आपको वो क्या दिखाएगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू भी दिखाएगा और आपको ड्रॉप डाउन सब मेन्यू भी दिखाएगा। तो हायरार्की कुछ ऐसे बनेगी कि ये आपका पेरेंट मेन्यू होगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि आपके एक मेन्यू है और वो मेन्यू है सर्विसेज के नाम से। ठीक है, और आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेट्स सपोज आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल राइटिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप जो है वो सिमुलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब आप सिमुलेट करते हैं रिजल्ट्स को, और सिमुलेशन में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस जो हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोर्ट करते हैं कॉन्टिकी को। ठीक है, और उसके अलावा जो है आप सपोर्ट करते हैं लेट्स सपोज पाइथन को। ठीक है, तो अब ये हो क्या रहा है, ये हो ये रहा है कि बेसिकली ये आपके जो है पेरेंट मेन्यू है। ठीक है, और पेरेंट मेन्यू पे आप अपना कर्सर लेके जाते हैं तो वो आपको क्या दिखाता है, चाइल्ड मेन्यू दिखाता है। ठीक है, और चाइल्ड मेन्यू पे आप हवर करते हैं तो वो आपको क्या दिखाता है,
एक सब चाइल्ड मेन्यू जो है वो आपको दिखाता है, ठीक है। तो दिस इज़ आवर गोल टुडे कि आप पेरेंट पे हवर करेंगे और पेरेंट के बाद ड्रॉप डाउन जो है जो कि चाइल्ड है वो दिखाएगा, और अगर ड्रॉप डाउन पे आप हवर करेंगे तो आपको सब चाइल्ड जो है उसका वो आपको दिखाएगा। तो दैट इज़ द गोल ऑफ टुडेज़ लेक्चर। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अच्छा, अब आप जो है दुनिया की कोई भी वेबसाइट उठा के देख लें, ठीक है, उस पे जो मेन्यू आइटम्स होते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप कोई एक वेबसाइट उठा लें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक मेन्यू बनाता हूँ, मैं यहाँ पे मेन्यू में तीन चीज़ें यहाँ पे ऐड करता हूँ। लेट्स सपोज मैं सबसे पहले ऐड करता हूँ कि लेट्स सपोज मैं प्रोडक्ट्स, मेरे पास एक वो है मैं मेन्यू है, उसके अलावा जो है मेरे पास सर्विसेज है, एक मेन्यू है, ठीक है, और मेरे पास जो है वो कॉन्टेक्ट अस, ये मेरे पास जो है वो क्या है, ये तीन मेन्यू आइटम्स हैं। फिर मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं प्रोडक्ट जो है वो दो किस्म के प्रोडक्ट्स भेजता हूँ, एक मैं मेन प्रोडक्ट्स भेजता हूँ और एक मैं वुमेन प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करता हूँ। फिर अगर मैं वुमेन के प्रोडक्ट्स पे हवर करूँ तो वुमेन के प्रोडक्ट्स पे हवर करते ही मेरे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, एक मेरे पास आ जाते हैं शूज़ के, ठीक है, कि वुमेन के शूज़ अगर आप परचेज़ करना चाहें, या वुमेन की जो है वो क्लोथिंग अगर आप परचेज़ करना चाहें, तो ये दो ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं। तो लेट्स मेक दिस, तो ये आपका सबसे पहले प्रोडक्ट सर्विसेज एंड क्लोथ्स है, ठीक है, या कॉन्टैक्ट अस है, सॉरी, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस ये है आपका जो आपको सबसे टॉप पे नज़र आ रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ पेरेंट मेन्यू। तो जो जो भी है ये आपको जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बनेगा कैसे, उसके लिए एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हम क्रिएट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस, ये विजुअल स्टूडियो है, न्यू फाइल करते हैं, ठीक है, बिफोर डूइंग एनीथिंग आई जस्ट सेव दिस फाइल, HTML में सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे मैं सेव करूँगा, मैं ऐसे नाम देता हूँ मेन्यू का, ठीक है, नाम मैंने ऐसे दिया मेन्यू का। मैं कंप्लीट करता हूँ इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर कंप्लीट करता हूँ मैं इसका, और लेट्स डू दिस, और टाइटल मैं इसको टाइटल आज का देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको देता हूँ हॉरिजॉन्टल मेन्यू, सही है, और हेड के नीचे जो है वो मेरे पास बॉडी सेक्शन है, और जस्ट बी श्योर कि ये काम कर रहा है, लेट्स रन इट, ठीक है, तो इसको रन करते हैं। अच्छा, इसको रन करते हैं, इसको रन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास जो वो मेन्यू के नाम से बना है इसको मैं रन करता हूँ एंड इट रन्स फाइन, ठीक है, और कैसे मुझे पता चला कि टाइटल जो है वो हॉरिजॉन्टल मेन्यू ये अपेयर हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। अच्छा, मैंने कहा कि हम ये चीज़ बनाने जा रहे हैं, प्रोडक्ट है, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट अस है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में जो लेक्चर के ऑब्जेक्टिव है उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट, स्टार्ट विद अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखिए, मैंने आपको जब डिविजन्स पे आप लोग काम कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि ब्राउज़र पे जो भी आपको मेन्यू नज़र आता है दैट बेसिकली इज़ कंटेंड विद इन वन डिविजन। तो लेट्स स्टार्ट विद वन डिविजन, ठीक है। तो मैं इस डिविजन को नाम देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको एक आईडी देता हूँ, मैं इसको आईडी देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको आईडी देता हूँ मेन्यू, कि ये वो डिविजन है जिसमें मेरे पास क्या है, जो मेरे पास मेन्यू इसमें पड़ी है, ठीक है। मैं इसमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करता हूँ। क्यों अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये आपको जो प्रोडक्ट सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस नज़र आ रहा है जो कि आपको एक मेन्यू टाइप में नज़र आ रहा है, दैट इज़ एक्चुअली अ लिस्ट, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। तो लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप। तो ये लिस्ट है, ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि द फर्स्ट लिस्ट इज़ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये दिस इज़ आई सेल प्रोडक्ट्स, और मैं फिर मैं सर्विसेज भी बेचता हूँ, और मेरे पास थर्ड मेन्यू आइटम जो है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, मैं इसको कमेंट भी दे देता हूँ, ठीक है, कमेंट लास्ट टाइम हमने देखे थे
ठीक है, कमेंट मैं इसको देता हूँ, कमेंट में मैं लिखता हूँ कि दिस इज़ अ पेरेंट मेन्यू, ठीक है, पेरेंट मेन्यू, सही है, ये मेरे पास कमेंट हो गया। अब इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, ठीक है, सेव करता हूँ मैं इसको, चलाता हूँ, ठीक है, मैं जब इसको चलाता हूँ ये देखें आपको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट नज़र आ रही है, ये देखें ये आपको एक लिस्ट नज़र आ रही है, लेकिन हमें तो एक मेन्यू चाहिए जिस पे हम हवर कर सकें, और प्रॉपरली अगर प्रोडक्ट पे मैं हवर करूं तो मेरे पास, तो मैं जब प्रोडक्ट्स पे हवर करता हूं तो मुझे प्रोडक्ट्स शो हो, यहाँ पे जो हमने किए कि मेन प्रोडक्ट और वुमेन प्रोडक्ट। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड जो वो है नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट को अगर आप देखें, यहाँ पे गौर से अगर आप देखें इसको, तो सबसे पहले ये आपके पास क्या है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, ये देखें आपने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया, उसके अंदर आपने कंटेंट लिया और ये कंटेंट हम आपको शो करा रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है और कॉन्टैक्ट अस है, तो दिस इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट दैट इज़ ऑलरेडी मेड। फिर इस लिस्ट को हमने क्लिकेबल बनाना है, आपको दुनिया की कोई भी ऐसी मेन्यू नज़र नहीं आएगी जिस पे आप हावर करें या उस पे क्लिक करें तो वो क्लिकेबल ना हो। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि एंकर टैग जो है वो यूज़ होता है किसी भी कंटेंट को क्लिकेबल बनाने के लिए, ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पे मैं कोई भी वो लिखूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल, जो लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस भी किया था, और फिर मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं गूगल का एड्रेस लिखता हूँ तो वो मुझे कहाँ पे लेके चला जाता है, गूगल पे लेके चला जाता है, ठीक है। अब ये देखें ये लिस्ट के अंदर लिंक है, ये देखें लिस्ट के अंदर क्या है आपके पास, लिंक है, तो ये लिस्ट के अंदर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लिंक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी अगर जो लिस्ट मेरे पास इस टाइम पे ब्राउज़र पे ये रेंडर हो रही है, ये देखें इस लिस्ट को, इस पे अगर मैं हवर करूँ, मैं लाख कोशिश करूँ, ये क्लिक नहीं हो रहा, ये देखें ये क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये लेक्चर ऑब्जेक्टिव में नंबर 2 पे देखें, हाइपर लिंक्स टू लिस्ट, ठीक है, ऐड करें हाइपर लिंक्स, मीन्स आपकी जो लिस्ट है उसको आप क्या बनाएं, क्लिकेबल बनाएं। तो क्लिकेबल बनाएंगे कैसे, जो स्लाइड पे गिवन है इसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है, ये देखें ये लिस्ट है, लिस्ट के दरमियान आप लोगों ने क्या करना है, ए टैग यूज़ करना है। अच्छा, अब लिस्ट का जो भी कंटेंट है उसको आपने वो करना है ए टैग के अंदर, आप लोगों ने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, तो लेट्स डू दैट। ये आपका लिस्ट है प्रोडक्ट का, ठीक है, इसको आप लोगों ने क्लोज करना है किस चीज़ में, ए टैग में, ठीक है, तो ये लिस्ट है मेरे पास, मैं यहाँ पे ए टैग लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये गौर से देखें, ये मेरे पास लिस्ट है, ये देखें लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर मेरे पास ए टैग है, ठीक है, और ए टैग के अंदर हमारे पास हाइपर लिंक रेफरेंस होता है। इस टाइम पे मैं ऐसे कुछ भी नहीं देता, मैं हैश पाउंड साइन यूज़ करता हूँ, इसका मतलब ये कि अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप उसी पेज पे रहेंगे, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ इसे, एग्जैक्टली इसी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, फर्स्ट लाइन को और सेकंड लाइन और थर्ड लाइन को मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इसको, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सर्विसेज और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, सेव करते हैं और चला के ज़रा देखते हैं कि इसमें और अभी में और ये प्रीवियस जो अब इस टाइम पे आपको नज़र आ रहा है, इसमें हमारे पास जो ब्रेंडर हो रहा है तो क्या फ़र्क है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो बड़े गौर से देखें इसमें कुछ चेंज आएगा, अब जब इसमें मैं हवर कर रहा हूँ तो कोई क्लिक या इसका कर्सर का शेप चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको वो करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब देखें इसके नीचे अंडरलाइन आ गया, और जैसे ही मैं इस पर हवर करता हूँ, ये देखें हैंड टाइप जो है वो बन जाता है, उंगली का निशान बन जाता है, और जैसे ही आप एड्रेस बार को भी ज़रा गौर से देखें, ये यहाँ पे ये है menu.html, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे पाउंड साइन आ जाता है, हैश साइन, इसका मतलब ये है कि आप इसी पेज पे हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये क्लिक हो रहा है, अब क्या हो रहा है, क्लिक हो रहा है, और हमारे मेन्यूज़ क्या होते हैं, क्लिक होते हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट। तो अब हमारे पास क्या है, दिस इज़ द पेरेंट मेन्यू, लेकिन
हमारा जो टास्क है, हमारा टास्क ये है कि हमारे पास एक पेरेंट मेन्यू है, और पेरेंट मेन्यू हमारे पास क्या है, वो है प्रोडक्ट्स का। और प्रोडक्ट्स में हम क्या बेच रहे हैं, प्रोडक्ट्स में हम बेच रहे हैं मेन और वुमेन के प्रोडक्ट्स, ठीक है। और वुमेन के प्रोडक्ट्स पे जब आप हावर करते हैं तो आपको क्या नज़र आता है, शूज़ नज़र आते हैं और आपको क्लोथिंग नज़र आती है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग इन शॉर्ट। अच्छा, अब नेस्टेड लिस्ट, ये तो पेरेंट मेन्यू है। अब गौर से देखें ये, आप यहाँ पे इस पे हमने एक काम भी किया था पिछले, उसमें आपको एक प्रैक्टिस भी दिया था, प्रैक्टिस के लिए हमने नेस्टेड लिस्ट भी दी थी आपको, आप लोगों ने प्रैक्टिस की भी थी इस पे। थोड़ा सा इसको डिफरेंट एंगल से इसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपके पास प्रोडक्ट का पेरेंट मेन्यू है, ठीक है, ये है प्रोडक्ट्स, और साथ में इसके आगे और भी एक दो चीज़ें हमने वो लिखी हैं, सर्विसेज हैं और आपके पास कॉन्टेक्ट अस है। ये तो है आपका पेरेंट मेन्यू। और पेरेंट मेन्यू जो लिस्ट है वो बनी कैसे, उसके लिए हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसको क्या किया, क्रिएट किया। उस अनऑर्डर्ड लिस्ट में मेरे पास एक लिस्ट है, बल्कि काफ़ी लिस्ट हैं इस टाइम पे। मेरे पास कितने लिस्ट हैं, मेरे पास इस टाइम पे 3 लिस्ट हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। इस एक में मेरे पास जो पेरेंट मेन्यू है उसमें क्या है, 3 लिस्ट हैं मेरे पास। इस टाइम पे हमने सिर्फ एक ही लिस्ट ली है, पेरेंट मेन्यू में एक लिस्ट हमने इस टाइम पे ली है। अगर मैं कहूँ कि इस पेरेंट मेन्यू में एक लिस्ट ऐसा है जिस पे अगर मैं हवर करूँ तो मेरे पास एक और लिस्ट शो हो, ठीक है, अगर मैं इस पे कर्सर लेके जाऊँ, क्लिक करूँ या हवर करूँ तो मेरे पास एक और लिस्ट शो हो, तो इसका मतलब ये है कि इस पेरेंट का एक चाइल्ड है। तो ये पेरेंट है, इस पे जब मैं हवर करता हूँ तो अब अगर नीचे आपके पास जो भी शो हो रहा है, मेन शो हो रहा है, आपके पास वुमेन शो हो रहा है, ठीक है। अब मेन और वुमेन जो है ये क्या है, ये आपके पास जो है वो क्या है, लिस्ट है, एक और लिस्ट है, ठीक है। अब ये एक और लिस्ट जो है ये चाइल्ड लिस्ट है, और ये चाइल्ड लिस्ट जो है ये इस पेरेंट की चाइल्ड है। लेकिन ये भी आपके पास क्या है, ये भी एक क्या है, लिस्ट है। और लिस्ट जो है ये हमेशा ये देखें, पेरेंट के अंदर अगर और लिस्ट मुझे चाहिए, जो हम जिसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये देखें, तो लिस्ट हमेशा जो है वो क्या होता है, उसका एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो होता है, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग में हमारे पास जो होता है। तो गौर से देखें ज़रा कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट था पेरेंट के लिए, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है चाइल्ड के लिए, और एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है सब चाइल्ड के लिए, ठीक है, जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जितने भी आपने, अगर इसका एक और सब चाइल्ड है तो आपके पास यहाँ पे इस लिस्ट में एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4, ये आपके पास चार जो है वो आपके पास जो है वो लिस्टें हैं, और चार के चार लिस्ट जो हैं वो आपको डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो रेंडर करके दे रही हैं। तो अभी हमारे पास जो है इस स्लाइड में आपके पास एक पेरेंट है, उसके लिए एक यूएल है, एक ड्रॉप डाउन है जो इसका चाइल्ड है उसके लिए एक यूएल है, और एक इसका चाइल्ड है और इसके लिए भी एक यूएल है। तो 3 यूएल्स हैं हमारे। तो लेट्स डू दैट। हमारे पास अब हम ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट के नीचे हमारे पास क्या होगा, मेन और वुमेन के प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे गौर से देखें, ये दोनों तो मैंने नहीं छेड़ने, ये वाले, ठीक है, अब ये दोनों तो मैंने नहीं छेड़ने, मैंने सिर्फ इसको छेड़ना है, ठीक है, ये वाला जो है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है प्रोडक्ट्स के चाइल्ड हैं, मेरे पास सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस के चाइल्ड नहीं है। तो ये पेरेंट मेन्यू में ये वाला जो है, ये वाली लिस्ट जो है, गौर से देखें, ये देखें, ये लिस्ट, लिस्ट के अंदर जो है मैं एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो क्रिएट करूँगा। स्लाइड को भी गौर से देखें ज़रा, ये देखें, ये लिस्ट जो है जो कि इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को बिलोंग कर रही है,
इस लिस्ट के अंदर मैं एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो उसे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? तो लेट्स क्रिएट इट। इस लिस्ट के अंदर मैं एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है? इसको मैं कमेंट करता हूँ, कमेंट मैं इसको करता हूँ कि दिस इज ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है? कि आप पेरेंट पे अगर हवर करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको ये वाली मेन्यू जो है वो शो होगी। अब हम कहते हैं कि इसमें मेरे पास कितनी लिस्टें हैं, दो, एक मैन है और एक वुमेन है, तो ऑफ कोर्स वो भी क्लिकेबल होंगी। तो क्लिकेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, साथ में ए टैग को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है? और कंटेंट क्या होगा, एक मेरे पास मैन है, ठीक है? इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? एक मेरे पास वुमेन मैन है और एक मेरे पास क्या है, वुमेन है, ठीक है? सेव कर देता हूँ मैं ऐसे। ए टैग है तो हाइपर लिंक रेफरेंस देना ज़रूरी है, मेरे पास इसका कोई लिंक नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पाउंड साइन देता हूँ। वैसे यहाँ पे होगा क्या, ये मैन का पेज जहाँ पे होगा उस पेज का एड्रेस आप लोग यहाँ पे देंगे, ठीक है? जिस तरह हम गूगल लिखते थे और गूगल का एड्रेस देते थे, तो गूगल पे जब क्लिक करते थे तो वो गूगल पे आपको लेके जाता था, इस तरह जब आप मैन पे क्लिक करेंगे तो मैन का एक पेज होगा आपके पास, उस मैन पेज का एड्रेस आप यहाँ पे देंगे और जैसे ही आप मैन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको वहाँ पे लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास एक पेरेंट मेन्यू है जिसमें एक लिस्ट है प्रोडक्ट, उसके अंदर एक लिस्ट है, वो क्या है, मैन एंड वुमेन। मैं सेव करता हूँ इसे, मैं ज़रा चला के इसको देखता हूँ, तो आप प्रोडक्ट के नीचे आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी और वो क्या है, ये देखें गौर से, ये देखें मैन और वुमेन। अब मेरे पास वुमेन के नीचे एक और लिस्ट है, ठीक है? तो मैं अब मैंने मैन को नहीं छेड़ना, बल्कि मैंने क्या करना है, मैंने वुमेन को जो है उसकी लिस्ट को मैंने मॉडिफाई करना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखें, आई एम नॉट मॉडिफाइंग दिस बट आई एम मॉडिफाइंग दिस, ठीक है? तो इस लिस्ट के अंदर मेरे पास क्या है, एक और लिस्ट है। तो एक और लिस्ट का मतलब है एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है? जितने भी चाइल्ड होंगे हर चाइल्ड का एक लिस्ट होगा, ठीक है? और बार बार एल आई लिखने की बजाय हम ये करेंगे, इसको कॉपी कर देते हैं, ठीक है? और इसको मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ दो दफ़ा। तो अब मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, वो है शूज़ और दूसरा मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास क्लोथिंग, ठीक है? ये दो चीज़ें हैं मेरे पास, सही है? इसको मैं वो कर देता हूँ, इसको मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? दिस इज अ ड्रॉप डाउन सब मेन्यू, ठीक है? एक और मेन्यू है, ठीक है? तो ये आपके पास पेरेंट मेन्यू हो गई, ठीक है? ये आपके पास पेरेंट है और ये आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू है और ये ड्रॉप डाउन सब मेन्यू है। सेव करें इसको। अब वुमेन के नीचे भी आपको क्या नज़र आएगा, शूज़ एंड क्लोथिंग। अब वी आर डन, लेट्स अब अप्लाई CSS, ठीक है? अब इसको पॉलिश करने का टाइम आ गया है, ठीक है? वी नो के वी हैव अ प्रोडक्ट सर्विसेज एंड कॉन्टेक्ट अस मेन, आपके पास जो मेन्यू है, फिर आपके पास मैन वुमेन है प्रोडक्ट के नीचे, और फिर जो है शूज़ है और क्लोथिंग है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? लेट्स स्टार्ट, जो है वो इसको हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग शुरू करते हैं, इंटरनल स्टाइलिंग करते हैं ताकि आपको साथ साथ पता चलता जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरनल स्टाइलिंग के लिए मैं यहाँ पे स्टाइल ओपन करता हूँ, ठीक है? स्टाइल टैग, अब शुरू करते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये करता हूँ, सबसे पहला काम कि मेन्यू के आप मेन्यू को जब भी देखें तो आपको ये डॉट्स वगैरह नहीं नज़र आते और आपको ये अंडरलाइंस वगैरह नज़र नहीं आती नॉर्मली। वैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं इसको, लेकिन नॉर्मली आप नज़र नहीं आते, ठीक है? तो लेट्स रिमूव दीज टू। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये डॉट्स जो हैं ये किसके साथ हैं, ये आपकी जितनी भी लिस्टिंग है, ठीक है, जितनी भी अनऑर्डर्ड लिस्ट हैं उसके साथ आपकी क्या है, ये लिस्ट आपकी जो टाइप है, जो बुलेट पॉइंट्स हैं ये हैं।
तो सबसे पहले इसको हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। मैं इसको एक्सेस करता हूँ, तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं, अगर आपको याद हो तो लिस्ट्स में मैंने आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम में कहा था कि डिव के अंदर एक, बल्कि उससे पहले कि डिव के अंदर एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को एक्सेस करें। तो वी विल डू दैट राइट नाउ, कि आपके पास एक मेन्यू है, एक डिव है, एक मेन कंटेनर, उसके अंदर मेन्यू पड़ा है, ठीक है। तो ये आईडी है, तो आईडी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आईडी इसको एक्सेस कैसे करेंगे, पाउंड साइन लगाएंगे, हैश मेन्यू। मैंने इसको एक्सेस किया, ठीक है। एक्सेस करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि ओके, ये कंटेनर जो है इसमें जितने भी यूएल्स हैं, जितने भी अनऑर्डर्ड लिस्ट हैं, अब गौर से देखें, इस कंटेनर में जितने भी अनऑर्डर्ड लिस्ट हैं उन सब की ये लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है, इसको क्या कर दें, नन कर दें, कि मींस उसकी स्टाइल टाइप को हटा दें, ठीक है। ये बुलेट्स पॉइंट सारे हटा दें, ये देखिए जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ ये बुलेट्स पॉइंट सारे जो है वो हट गए। ये तो एक काम हो गया। दूसरा काम आप करते हैं, ठीक है, कि ये डेव जो है उसमें जितने भी यूएल्स हैं और उसमें जितनी भी लिस्टें हैं और उसमें जित मींस सारी लिस्टें जो हैं दे आर एक्चुअली दे आर एंकर टैग्स, ठीक है। ये जितनी भी लिस्टें हैं दे आर एंकर टैग्स, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ओके, जितना भी मेन्यू है उसके अंदर जो भी यू एल है, उसके अंदर जो भी एल आई है और उसके अंदर जो भी ए है, जो भी एंकर टैग है, क्योंकि ये अंडरलाइन किसने डाला है, ये एंकर टैग की वजह से आया है। तो मैं कहता हूँ एक प्रॉपर्टी है मेरे पास टेक्स्ट डेकोरेशन, और मैं कहता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इसके नीचे वाली जो अंडरलाइन है इसको हटा दो। तो ये देखिए अंडरलाइन भी हट गई, लेकिन मेन्यू आपको नज़र ऐसे थोड़ी आता है, मेन्यू आपको इस तरह नज़र आता है बिल्कुल। आप हॉरिजॉन्टल मेन्यू हम बनाएंगे तो आपको पेरेंट मेन्यू नज़र आता है, और फिर अगर चाइल्ड पे आपको तब नज़र आता है अगर पेरेंट पे कोई हवर करे। तो सबसे पहले तो हमें चाइल्ड मेन्यू हमें तब दिखाना है जब अगर कोई चाइल्ड मेन्यू देखे। तो सबसे पहले हमने चाइल्ड मेन्यू को जो है वो सीन से हटाना है, ठीक। कैसे हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर गौर से देखें। मैं कहता हूँ कि ये वाली कंटेनर जो है, ये डेव, उसमें जितने भी आपके पास जो पेरेंट यू एल है, मीन्स ये आपके पास ये है कंटेनर है, उसके अंदर जो यू एल है उसके अंदर वाले जितने यू एल्स हैं, अब गौर से देखें ज़रा, मैं इस यू एल तक तो आ गया, ये मेन्यू है, फिर ये यू एल है, लेकिन ये तो पेरेंट है, पेरेंट नहीं, मुझे ये वाली यू एल जो है इसकी, ये सेकंड वाली यू एल जो है, ठीक है। तो सेकंड वाली यू एल जो है, ठीक है, मींस इस कंटेनर में ये वाली पेरेंट यू एल नहीं, ये उसकी जो चाइल्ड यू एल्स है, उसका डिस्प्ले जनाब जो है वो मैंने क्या करना है, उसको मैंने नन कर देना है कि अभी मुझे शो ना कराए। तो मैं जैसे ही इसको वो रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अब मेन्यू तो है चाइल्ड मेन्यू, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, वो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नज़र अब कैसे आएगा, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा और सीएसएस लिखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम इस मेन्यू को थोड़ा मेन्यू की शेप में तो ले आए। ये दिस इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ मेन्यू, ठीक है, ये मेन्यू की तरह शो नहीं हो रहा। इसको एक लाइन में लेके आते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज और कॉन्टेक्ट अस को कैसे लेके आएंगे। मैं इसको पहले एक्सेस करता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे पास जो मेन कंटेनर है उसके अंदर वाली जो यू एल है, पेरेंट यू एल, और उसके अंदर जो लिस्ट है, पेरेंट लिस्ट, मैं उसे कहता हूँ कि पेरेंट लिस्ट को आप क्या करें, आप फ्लोट लेफ्ट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि चीज़ें जो है रेंडर होती हैं वन आफ्टर दी अदर, ठीक है, और चीज़ों को आगे जो है वो स्पेस नहीं मिलती, हालांकि स्पेस इसके सामने है। अब प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का एस जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से सर्विसेज रेंडर हो सकता है, सर्विसेज का एस जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से आगे कॉन्टेक्ट अस रेंडर हो रहा है। तो फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करें तो वो एक लाइन पे आ जाती है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखें एक लाइन पे आ गए, लेकिन एक लाइन पे आ तो गए लेकिन अभी भी स्टिल वी कांट रेकग्नाइज कि दिस इज़ अ मेन्यू। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट सर्विसेज और कॉन्टेक्ट अस है तो है, लिस्ट तो है, लेकिन
इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा कम है, बाय डिफ़ॉल्ट ये राइटिंग जहाँ पे ख़त्म होती है उसकी विड्थ ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले दो काम हम करते हैं, ठीक है, मैं इसकी विड्थ जो है वो थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज द विड्थ इज़ 150 पिक्सल, ठीक है। ये विड्थ मैंने किसकी दी, ये मैंने लिस्ट की दी, ये वाली। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाएंगे, ये देखें अच्छा खासा आप सेपरेट नज़र आ रहे हैं, लुक्स गुड, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर तरीके से देखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, लेट्स सपोज लेट्स गिव इट अ वेरी नाइस कलर, ठीक है। कोई भी एक कलर आप दे दें, ये मजेंटा दे दें, ठीक है। सेव करते हैं इसको, चलाते हैं ज़रा, ठीक है। अब आप गौर से देखें तो स्टिल इट लुक्स नाइस बट डजन रियली लुक वेरी वेरी नाइस, ठीक है। थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज करते हैं। एनीवे लेट्स नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन कलर्स, जो भी कलर है बस यही कलर सही है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मैं इसको हाइट भी दे देता हूँ, ठीक है। मैं इसको हाइट देता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ लेट्स सपोज 30 पिक्सल्स, ठीक है। मैं इसको ज़रा हाइट दे दूँ, ये देखें अब इट लक्स मेन्यू का थोड़ा साइज़ बड़ा हो गया। आप छोटा भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। स्टिल इट वो प्यारा नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर की, लेट्स गिव इट अ प्रॉपर्टी, ये यूज़ द प्रॉपर्टी, मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर की, तो बॉर्डर एज अ होल हम यूज़ कर सकते हैं। अगर चारों के साइड पे आपने बॉर्डर खींचना है तो आप बस डायरेक्ट बॉर्डर यूज़ करें, अदरवाइज़ आप बॉर्डर राइट भी यूज़ कर सकते हैं, आप बॉर्डर लेफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप बॉर्डर बॉटम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको इट्स अप टू यू, लेकिन थ्रू आउट फुल बॉर्डर खींचने के लिए मैं सिंपल बॉर्डर यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो लाइन आप खींच रहे हैं वो 1 पिक्सल विड्थ की हो, ठीक है, और सॉलिड हो, मतलब कोई डैश्ड वगैरह ना हो, और ब्लैक कलर की आप खींच लें या आपकी मर्ज़ी है, आप रेड कलर की खींचना चाहते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। लेट्स गिव इट अ रेड, मैं इसको ज़रा अब रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें बॉर्डर नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल इट डजन लुक वेरी नाइस, ठीक है, आप खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा। तो एक टेक्स्ट को हम सेंटर करते हैं, ठीक है। मैं टेक्स्ट देखें, बी केयरफुल ऑल आई एम अप्लाइंग दिस सी एस एस ऑन दीज लिस्ट, जो पेरेंट मेन्यू की लिस्ट है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस चीज़ को एक्सेस करके सी एस एस कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो लिस्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो एक और प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन की, मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता हूँ, सेव करता हूँ, मैं इसको चलाता हूँ, ये देखें सेंटर हो गया, लेकिन स्टिल बहुत टॉप पे है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। तो एक प्रॉपर्टी है मेरे पास लाइन हाइट, लाइन हाइट की प्रॉपर्टी है, मैं लाइन हाइट लेट्स सपोज मैं यूज़ करता हूँ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल बहुत ज़्यादा है लेकिन चले, मैं यूज़ करता हूँ लेट्स सपोज, ठीक है, 30 पिक्सल। तो नाउ इट लुक्स नाइस, ठीक है, लाइन हाइट की प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की, उसको थोड़ा सा नीचे लेके आया मैं, ठीक है, नाउ इट लुक्स नाइस। ओके, पेरेंट तो आ गया मेरे पास, मेन्यू शेप में आ गया। नाउ व्हाट अबाउट कि आपकी जो चाइल्ड है वो अब कैसे डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो चाइल्ड को डिस्प्ले करने के लिए आप चाइल्ड को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा मेन कंटेनर है, मेन डेव, उसके अंदर जो यूएल है जो कि ये है, और उसके अंदर जो लिस्ट है जो कि ये प्रोडक्ट सर्विसेज और कॉन्टेक्ट अस है, मैं कहता हूँ कि इस पे जब मैं हवर करूँ तो कॉलन एक प्रॉपर्टी है, हवर हवर का मतलब है इस पे जब कर्सर में लेके जाऊँ, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, मैं कहता हूँ कि ये पेरेंट है, इसका एक चाइल्ड है। अब चाइल्ड इसका कौन सा है, ये दिस इज़ अ पेरेंट, ये दिस इज़ अ पेरेंट और इसका चाइल्ड ये है, ठीक है। तो इसको चाइल्ड को रेफ़र करने के लिए आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि इस लिस्ट पे जब मैं हवर करूँ, इस कर्सर लेके जाऊँ, तो इसका जो चाइल्ड है, अब चाइल्ड को शो कराने के लिए
ये ग्रेटर देन साइन यूज़ होता है। ये इसका जो ग्रेटर वाला पोर्शन जहाँ पे होता है वो पेरेंट होता है, और इसका जो ये लेस वाला पोर्शन होता है वो जहाँ पे होता है वो चाइल्ड होता है। तो मैं कहता हूँ कि ओके, इसके लिस्ट पे जब हवर करूँ तो वो ड्रॉप डाउन जो है, मतलब इस लिस्ट पे जब मैं हवर करूँ तो ये वाली ड्रॉप डाउन जो है इसको शो कराएं, ठीक है। तो ये मैं इसको कहता हूँ यूएल, मैं इसको कहता हूँ डिस्प्ले करो, इसको एक पूरे ब्लॉक में डिस्प्ले करो, ठीक है, जो भी है उसको पूरा का पूरा डिस्प्ले कर दो। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखें, ये देखें ज़बरदस्त किस्म का आपके पास शो हो रहा है। इस पर मैं हवर करता हूँ, ठीक है, वो शो हो रहा है। ये देखें, इस पर हवर करता हूँ, वो शो हो रहा है, बहुत प्यारा नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास जो है ये नज़र तो आ रहा है, ये आप देखें, इस पर हवर करें तो वो नज़र तो आ रहा है, लेकिन ये ऐसे तो नज़र नहीं आता आपके पास, ठीक है। आपके पास ये मैन, ये यहाँ पे होना चाहिए, और ये वुमेन, और ये मतलब इट शुड दिस शुड कम अंडरनीथ दिस, एंड दिस शुड कम टू द राइट ऑफ वुमेन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। अब ये जो सेकंड वाला यूएल है, सेकंड वाला, ठीक है, ये देखिए कंटेनर है, पेरेंट यूएल और चाइल्ड यूएल, ठीक है। मैं इसकी पोजीशन करता हूँ एब्सोल्यूट, ये पोजीशन एक प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट, ठीक है, मैं इसकी पोजीशन करता हूँ एब्सोल्यूट। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, ये देखें एब्सोल्यूट मैंने पोजीशन कर दी, ठीक है। लेकिन आप ये ऊपर वाली जो मेन्यू है एल आई की, पेरेंट मेन्यू, इसकी पोजीशन को आप कर दें रिलेटिव, ठीक है। हाँ, तो अब आप इसको हवर करें तो ये देखें, अच्छा अब हुआ क्या और ये दोनों क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, आप अगर थोड़ा सा आगे जाए तो हमारे पास ये देखें, इन चीज़ों पे तो हमने काम कर लिया कि जो है आपका लिस्ट स्टाइल टाइप क्या करता था, आपकी जो बुलेट्स अपीयर होती थी उसको क्या कर देता था, उसको रिमूव कर देता था। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करता था कि आपकी जो लिंक है, ठीक है, आपकी जो लिंक है उसके अंदर नीचे जो अंडरलाइन आता था आपकी लिंक में उसको हटा देता था। टेक्स्ट अलाइन क्या करता है कि ये डिव है, इसमें आपने जहाँ पे टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट को क्या करेगा, बिल्कुल सेंटर पे आके डिस्प्ले कर देगा। और बॉर्डर क्या करता है कि इस टेक्स्ट के इर्द गिर्द अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो वो आपको क्या करता है, बॉर्डर अप्लाई करके दे देता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। नाउ वी कम टू द सी एस एस एट्रीब्यूट जो कि है हमारे पास पोजिशन। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है, ठीक है। और बाकी एट्रीब्यूट्स तो बड़े आसानी से समझ में आ जाते हैं, लेकिन ये एट्रीब्यूट थोड़ा सा इट्स अ बिट ट्रिकी, और आपको थोड़ा सा जो है वो समझ में आना मुश्किल है। लेकिन सपोज करें ये आपके पास एक ब्राउज़र है, वी ट्राई आवर बेस्ट कि आपको जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर दिस इज़ अ ब्राउज़र, ठीक है, ये आपके पास ब्राउज़र विंडो है, और सपोज करें यहाँ पे आपके पास क्या है, एक इमेज है, ठीक है, और यहाँ पे एक इमेज डिस्प्लेड है, ये मैं इसका बैकग्राउंड भी बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इमेज है और इमेज के नीचे आपने, लेट सपोज आपने हेडिंग वन टैग यूज़ किया है और आपने अपना नाम लिखा है, और लेट सपोज, ठीक है, मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है, और सपोज करें ये दोनों चीज़ें, ये आपके पास एक डिवीज़न के अंदर है, तो हमारे पास ये इमेज और ये मोहम्मद, ये डिव में, और ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये ब्राउज़र है, क्या है, ये ब्राउज़र है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इस इमेज को और इस टेक्स्ट को, मोहम्मद को, जब आप रेंडर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र उसकी पोजीशन रखता है स्टैटिक। अब स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब ये है कि अगर
आप इस मोहम्मद को या इस इमेज को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये चार एट्रीब्यूट्स जो हैं, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, रिमेंबर आई एम नॉट सेइंग कि मार्जिन टॉप मार्जिन राइट मार्जिन बॉटम मार्जिन लेफ्ट, आई एम सेइंग टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट, ये चार डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये स्टैटिक के साथ कभी भी काम नहीं करती। अब बेशक आप देते जाए स्टाइल में, सपोज दिस इज़ रिटन इन H1 टैग, ये H1 टैग के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, कोड में, यहाँ तो ऐसे ही डिस्प्ले होगा, और आपने H1 टैग जो है वो CSS में एक्सेस किया और आप उसे अब मूव कर रहे हैं, ठीक है, अब आप टॉप दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं, ठीक है, इट विल नॉट मूव बिकॉज इट इज़ स्टैटिक बाई डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप इस H1 को एक्सेस करते हैं और आप इसकी पोजीशन को करते हैं रिलेटिव, क्या करते हैं आप, रिलेटिव करते हैं, अब आप ये टॉप राइट बॉटम लेफ्ट जो है उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नाउ द पोजिशन ऑफ मोहम्मद इज रिलेटिव और द पोजिशन ऑफ इमेज इज रिलेटिव। इसका मतलब ये है कि ये जिस कंटेनर के अंदर है, जिस डिव के अंदर है, इस डिव के अंदर आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट बॉटम, आप टॉप राइट लेफ्ट बॉटम आप कहीं पे भी मूव करना चाहते हैं, लेकिन ये इस कंटेनर के अंदर अंदर मूव होगा, इस कंटेनर से निकलेगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये अगर आप इसकी पोजीशन रिलेटिव कर भी दें और अगर आप टॉप बॉटम अभी आपने अप्लाई आपने नहीं किया, तो ये मोहम्मद इसी तरह इसी जगह पे रहेगा, मतलब पहले इमेज डिस्प्लेड होगा और उसके बाद ये मोहम्मद आपको डिस्प्लेड नज़र आएगा, लेकिन अगर आप टॉप बॉटम राइट अप्लाई करते हैं तो वो इसमें आप जहाँ पे भी इसको मूव करना चाहें फिर ये मूव होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ब्राउज़र का जो लेआउट है, मतलब जिस तरह से वो डिस्प्ले हुआ है, वो डिस्प्ले जो है वो उस लेआउट को फॉलो करता है अगर उसकी पोजीशन जो है वो रिलेटिव हो। लेकिन अगर आप इस H1 को एक्सेस करते हैं और आप इसकी पोजीशन रखते हैं, आप कहते हैं एब्सोल्यूट, अब ये H1 कहता है कि बस ब्राउज़र का जो लेआउट है, जिसने पहले इमेज को डिस्प्ले किया और फिर उसने मोहम्मद को डिस्प्ले किया क्योंकि इसी तरह आपने लिखा हुआ था, मैंने अब इस लेआउट को नहीं मानना, अब वो इस डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग से हट जाता है और आप कहीं पे भी इस सिर्फ इस कंटेनर के अंदर नहीं बल्कि इस पूरे ब्राउज़र के अंदर आप कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हैं। तो ये एब्सोल्यूट पोजीशन जब आपको चाहिए होती है तो आप इसलिए उसको क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें अप्लाई की, जो पेरेंट है उसको मैंने पोजीशन दी रिलेटिव और जो उसका चाइल्ड है उसको मैंने पोजीशन दी एब्सोल्यूट। मींस के एक और बात भी है कि एब्सोल्यूट पोजीशन जिसकी होती है उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो मूव नहीं होती, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। एब्सोल्यूट पोजीशन जिसकी हो जाती है उसके इर्द गिर्द ऊपर नीचे जितनी भी चीज़ें होती हैं उसकी पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने इसको रिलेटिव कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया, ठीक है। अब एब्सोल्यूट जो है अपने पेरेंट के रिलेटिव जो है वो मूव होना शुरू होगा, ठीक है। अब मैं इसको मूव करता हूँ, अब कैसे मूव करूँ इसको, यहाँ पे गौर से देखें, मैं जब प्रोडक्ट पे हवर करता हूँ तो ये मेन्यू जो है ये लेफ्ट पे आना चाहिए, ठीक
ठीक है, ये देखिए ये लेफ़्ट पे आना चाहिए, तो अगर आप राइट से लेफ़्ट पे जा रहे हैं तो आपने लेफ़्ट, आप लेफ़्ट प्रॉपर्टी अगर यूज़ करनी है तो आपने वैल्यू जो है वो नेगेटिव में देनी है। अगर आप लेफ़्ट से राइट पे मूव कर रहे हैं और आप लेफ़्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने वैल्यू जो है वो पॉजिटिव यूज़ करनी है। तो लेट्स डू दैट। मैं सबसे पहले एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ लेफ़्ट, क्योंकि मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेफ़्ट से राइट की तरफ नहीं जा रहा बल्कि लेफ़्ट की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि लेफ़्ट का मतलब होता है आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। बट आई एम मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, सिंस आई एम मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट देयर फॉर आई एम यूजिंग नेगेटिव वैल्यू। लेट सपोज मैं कहता हूँ -41 पिक्सल, लेट सपोज इट कुड बी एनी थिंग। ये देखें एग्जैक्टली इसके नीचे आ रहा है, एग्जैक्टली, लेकिन अब ये भी इसके नीचे आ रहा है, ये उसके उसके बाद वाला जो है, लेकिन ये वाला तो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। अब इसको एक्सेस करते हैं, अब इसको एक्सेस करने के लिए ये देखें जो कि डिव है उसके अंदर जो पेरेंट है, उसके अंदर जो चाइल्ड है, फिर उसके अंदर जो सब चाइल्ड है, क्योंकि वो क्या है, ये सब चाइल्ड है, ये वाला नीचे वाला शूज़ एंड क्लोथ्स, ये सब चाइल्ड है। ठीक है, मैं इसको एक्सेस करता हूँ, पहले तो इसकी पोजीशन में एब्सोल्यूट दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जहाँ पे मेरी मर्ज़ी हो वहाँ पे ये जाए। ठीक है, मैं इसको हवर करता हूँ, ये देखें, फिर मैं इसको लेके जाता हूँ, मैं टॉप की वैल्यू देता हूँ इसके 0। अब गौर से देखें, 0 मैं देता हूँ तो यहाँ पे देखें, जैसे ही मैं 0 देता हूँ, ये देखें गौर से देखें, ये शूज़ जो है वोमेन के बिल्कुल, वोमेन जो मेन्यू है उसके ऊपर बिल्कुल शूज़ जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो गया। अब मैंने इसको क्या करना है, थोड़ा सा राइट पे लेके जाना है। ठीक है, तो मैं इस पर यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ राइट, और राइट में इसको मूव करता हूँ, लेट्स सपोज 110 पिक्सल्स, लेट्स सपोज। ठीक है, मैं इसको एक को प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, ठीक है, सॉरी राइट कह रहा हूँ, लेफ्ट, बिकॉज आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो मैं लेफ्ट इस पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको जैसे ही वो करता हूँ, ये देखें बहुत ही प्यारा आपके लेफ्ट से राइट पे मूव हो गया, और टॉप 0 का मतलब ये है कि शूज़ का जो पेरेंट है और वो क्या है, वमेन, उसके बिल्कुल सामने जो है वो ये डिस्प्ले हो। ठीक है, तो ये देखें आपके पास जो है, आज के लेक्चर में हमने जो है एक प्रॉपर मेन्यू डिज़ाइन किया। आप इसका भी सब चाइल्ड बना सकते हैं, उसके सब चाइल्ड को एक्सेस करने के लिए आप अगेन यूएल। तो आज की क्लास में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है ये जो आपको CSS नज़र आ रहा है, ठीक है, कि अगर आपने पेरेंट लिस्ट को या जितने भी आपने सारे यूएल्स हैं उसको आपने एक्सेस करना है तो आप यूएल लिखें। अगर आपने पेरेंट के यूएल को, फर्स्ट यूएल, उसके अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर जो एंकर टैग है उसको आपने एक्सेस किया, फिर आपने फर्स्ट यूएल जो है उसके अंदर जो उसका इमीडिएट चाइल्ड है, और इमीडिएट चाइल्ड उसका कौन सा था, वो था मैन और वोमेन, उसको एक्सेस किया, फिर आपने ये वाला देखें फर्स्ट पेरेंट, उसके बाद चाइल्ड, उसके बाद सब चाइल्ड, उसको आपने एक्सेस किया, जो कि आपके पास शूज़ और क्लोथ्स थे उसको आपने एक्सेस किया। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं कि आपने किस तरह इसको एक्सेस किया, इसको आप एक्सटेंड करें, स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप इसको एक्सटेंड करें, और आपकी जो अगली आने वाली असाइनमेंट है और आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें ये दोनों चीज़ें, ये चीज़ें जो है बड़ा आपको मैटर भी करेंगी और आपके बड़े काम भी आएंगी। ठीक है, और ये आपका जो काम है घर का प्रैक्टिस, उसमें आपने वर्टिकल मेन्यू क्रिएट करनी है, और उस वर्टिकल मेन्यू मतलब आपका मेन्यू कुछ ऐसे होगा, ठीक है, कि अभी हमारा लेट सपोज ये कुछ ऐसे होगा कि आप प्रोडक्ट्स है, ठीक है, प्रोडक्ट्स पे आप हवर करेंगे तो आपको अब राइट साइड पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब राइट साइड पे आपको शुरू होगा क्या, मैन और वुमेन के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, पार्डन माय राइटिंग, ठीक है, वुमेन है, फिर वुमेन के आगे आपके पास क्या है, क्लोथ्स, और आपके पास क्या है, शूज़। ठीक है, तो अब आपको ये क्या नज़र आ रहा है, ये आपको वर्टिकली सारा नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो मेन्यू है वो क्या है, वर्टिकली है, प्रोडक्ट है, आपके पास सर्विसेज हैं, और आपके पास जो सब मेन्यूज़ हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं टू द राइट। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे अभी हमने आज के लेक्चर में जो देखा
वो टू द राइट डिस्प्ले नहीं हो रहे थे, बल्कि क्या हो रहे थे, टू द बॉटम डिस्प्ले हो रहे थे। ठीक है, तो डिस्प्ले ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड ड्रॉप डाउन सब मेन्यू, तो मेन्यू ड्रॉप डाउन मेन्यू और ड्रॉप डाउन सब मेन्यू आपने इसको डिस्प्ले करना है टू द राइट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि मेन्यू कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट देखा, हाइपर लिंक्स ऐड किए, उसके साथ नेस्टेड लिंक लिस्ट पे काम किया। उसके अलावा जो है हमने सीएसएस एट्रीब्यूट्स पे काम किया, उसके अलावा हमने सीएसएस की पोजीशन एट्रीब्यूट पे काम किया। पोजीशन एट्रीब्यूट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। देखें बच्चे जो हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स आती हैं। ठीक है, वर्चुअल सेशन में हम जो बातचीत करते हैं उसके बाद मुझे काफ़ी सारी ईमेल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स बच्चे भेजते हैं। लेकिन बेटा एक बात आप देखें, ख़ुद भी अंडरस्टैंड करें, अगर मैं प्रैक्टिस में आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ तो इसका मतलब ये है ये आपका काम है, आपने करना है। मतलब ये तो कोई बात ना हुई कि मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ और जितना कोड मैंने लिखा है वो सही चल रहा है और आगे वाला काम नहीं हो रहा, और मुझे आप वापस वही कोड भेज रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अच्छा इससे आगे वाला काम नहीं हो रहा, ये कैसे होगा। तो ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप करें, आपके पास इंटरनेट की वो जो है एक्सेस है, आपके पास दुनिया जहान की वीडियोस हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, किताबें भरी पड़ी हैं, मेरा लेक्चर है, थोड़ा अपना लॉजिक यूज़ करें और ट्राई टू कम अप विद अ सोल्यूशन। इफ़ यू कम अप विद अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स दैट आई गिव यू इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है, यू विल इंशाल्लाह बी फाइन। अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और ये अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह आफ्टर अप्रूवल। एंड कल हमारा वर्चुअल सेशन भी है इंशाल्लाह, उस पर हम प्रीवियस लेक्चर जो है उसको डिस्कस करेंगे जो कि इससे पहले हो चुका है। अपना ख्याल रखिएगा, गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, मसनून दुआओं का ज़रूर अहतमाम करें। 313 मरतबा हसबुनल्लाह व निअमल वकील, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 3 दफ़ा जो है वो अलहम्दु सूरह फातिहा, 3 दफ़ा जो है वो सूरह इखलास, 11 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ये दुआएं पढ़ते रहा करें, अपने ऊपर चुफ करते रहा करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको और मुझे अपनी हिफाजत में रखे, सारी उम्मत मुस्लिमा को अपनी हिफाजत में रखे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।